अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों पेश है हैं आज की ताजा खुशखबरीयां मुलभर में जश्न ए ईद मिलाद النबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्बी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया पाकिस्तान समेत दुनिया के कई मुमालिक में नबी आखिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौमे विलादत का जश्न मजहबी अकीतराम के साथ मनाया गया रेडियो पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक ईद मिलादुलनबी के जश्न का आगाज वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद में इकतीस जबकि सूबाई दारकूमतों लाहौर पेशावर कराची और कोयटा में इक्कीस इक्कीस तोहफों की सलामी से हुआ इस मौके पर मसाजिद में दीन इस्लाम की सरबुलंदी मुस्लिम उमा के इतिहाद यकजहती तरक्की और फलाह के लिए खसूसी दुआएं की गईं मिलादी मिलाद मुस्तफ़ा सल् वसलम के सिलसिले में हुकूमती और महबी तंजीमों, मिलाद कमेटियों और लोगों की जानब से जल्से जुलूस सरतुलनबी सलील वालम कॉन्फ्रेंस सेमिनार समेत मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनका किया गया जिसमें उलमा और आम हजरात ने खूब शिरकत की और मसाजद में सरतुलनबी सल्ल वस और हयात तय्यबा पर रोशनी डाली गई रहमत आमी की विलादत के दिन की खुशी में घरों दफातर मसाजिद पार्क तफरी मकाम गियों बाजारों शहराओं को सब्स पर चुम बल्कि कुमकुमो आरयशी महरबों खूबसूरत फ्लैक्साइज बैनर्स झंडियों और दीगर जबाइशी अशिया से दुल्हन की तरह सजाया गया था इस साल वजी अजम की खसूस हदायत पर तीन से बारह रबी लवल तक मरकजी और सूबाई हुकूमतों की सतह पर अशराय रहमआलमीन मनाया गया रियासत मदीना में मेरठ की बाला दस्ती थी काबिलियत पर लोग आला आलादों पर फायज होते थे वजीर आज़म। इस्लामाबाद आबाद में कौमी रहमतमी सल वसम कॉन्फ्रेंस के केख्तमी सेशन से खिताब करते हुए वजी अजम ने कहा कि अल्लाह का खास शुक्र अदा करता हूँ कि हम आज भरपूर तरीके से नबी और आखिर जमान सल अलहलम की योम विलादत का जश्न अकीदत और एहतराम के साथ मना रहे हैं वज़िर अजम ने कहा कि हमारी नौजवान नस्ल को अपने प्यारे नबी सली वसलम की सीरत के बारे में इल्म होना चाहिए इस मौके पर पांच मिनट दरानिया की एक फीचर फिल्म भी नशर की गई जिसका मकसद मगरबी ममालिक को आगाह करना था कि एक मुसलमान हज़रत से इश्क़ क्यों करता है? बाद अजा इमरान खान ने कहा कि इस्लाम तलवार के जोर पर नहीं बल्कि फिक्री इनकलाब से फैला था सोच बदली और जहन बदले थे उन्होंने कहा कि तारीख शाहिद है कि मुसलमान जब तक नबी करीम सल्लाम की तालीमत आरोप ग रहे कामयाबी इनका मुकदर बने और जो लोग हुए इन्हें पस्ती नसीब हुई। इस तरह मदीना की रियासत एक मॉडल बनी। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि तीन साल इकतदार में रहते हुए मुझे हैरत हुई कि अल्लाह ने पाकिस्तान को कितनी नियमतें बख्शी हैं लेकिन हमें अपना रास्ता ठीक करना है और इस कोशिश में मुझे और मेरी पार्टी को पच्चीस साल हो गए हैं उन्होंने कहा कि रियासत मदीना का पहला असूल था हज़रत मोहम्मद ने में अच्छे और बुरे के फर्क से आगाह किया और और दुनिया ने ऐसे फ़र्द को अहमियत दी इमरान खान ने कहा कि कानून की बालादस्ती और मुतफरक कानून के खात्मे के साथ ही तर्ज माशरत में फिक्री इनकलाब ला सकते हैं पाक भैरिया ने भारतीय आबदोस की पाकिस्तान में दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी पाक ने एक मरतबा फिर भारतीय अबदोज की पाकिस्तान में दाखिले की कोशिश को नाकाम बना दिया है इस सिलसिले में पाक फौज के शोबात आमा एस पी आर की जानब से जारी बयान में बताया गया है कि पाक भहरिया ने मुसलसल निगरानी और पेशा वाराना साहित के बायस सोलह अक्टूबर को एक मरतबा फिर भारतीय अबदोस का सुराग लगाया और इसे पाकिस्तान के समुन्द्री हदूद में दाखिल होने से रोक दिया सिक्योरिटी खदशात के बायस पाक बहरिया मसलसल पाकिस्तानी समुद्री हदूद की निगरानी कर रही है ताकि मुल्क की हदूद का दिफा किया जा सके यह अपनी नोयत का तीसरा वाक़ा है जिसमें भारतीय नेवी के आबदोस का बरवकत सुराग लगाया गया और इसे पी एन लॉन्ग रेंज पेंट्रोल एयरक्राफ्ट से बरवकत हदफ बनाकर रोक दिया गया बयान में कहा गया कि आबदोस का सुराग पता लगाना भारतीय नेवी के इंतहाई कमजोर मखदूश मेनिज का आकाश है और पाक बहरिया के मादरे वतन के तहफ के अज़मस को जाहिर करता है वाजह रहे कि पाँच नवंबर दो हज़ार उन्नीस को पाक बहरिया ने पाकिस्तान की समुद्री हदूद में भारतीय अब्दोस के दाखिले की कोशिश को भी नाकाम बनाया था ईद मिलादुलनबी मामूली जराइम के कैदियों की सजा में नबे दिन तक कमी ईद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मामूली जराइम के कैदियों के सजा में नबे दिन तक तकफीफ करने का नोटिफिकेशन सदरी मुमलिकत की मंजूरी के बाद वजारत दाखिला ने जारी कर दिया चारों सूबों के होम सेक्रेटरीज को भी नोटिफिकेशन भिजवा दिया गया है उमर कैद वाले कैदियों को नवे रोज़ की सजा माफ़ी मिलेगी उमर कैद के दो तिहाई सजा काटने वाले कैदियों को नबे रोज़ की स्पेशल सजा माफ़ी भी मिल सकेगी उम्र कैद की एक तिहाई सजा काटने वाले पैंसठ साल से बड़े मर्द और साठ साल से बड़ी खातून कैदियों पर भी नोटिफिकेशन का इतलाक होगा बच्चों के साथ सजा काटने वाली एक तिहाई सजा मुकम्मल करने वाले 18 साल से कम उम्र कैदियों पर भी नबे रोज माफी के नोटिफिकेशन का इतलाक होगा अलबत्त नोटिफिकेशन का इतलाक कतल गद्दारी रियासत मुखालफ और संगीन जराइम दहशत गर्दी कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने में मुलिस कैदियों पर नहीं होगा टी ट्वेंटी ने टी ट्वेंटी में दिफाई चैंपियन वेस्ट इंडीज को शिकस्त देकर खतरे की घंटी बजा दी है गो के वार्म अप मुकाबला किसी भी टीम की तैयारियों की हकीकी अकासी नहीं करते लेकिन फिर भी ये एक बड़े मैदान पर कदम रखने से पहले लहू गर्मा रखने का बहाना जरूर फराम करते हैं टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की पहली फता उमान नकाम टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप के पहले राउंड में बांग्लादेश ने उमान को शिकस्त देकर इवेंट में पहली फतह हासिल कर ली न्यू को शिकस्त स्कॉटलैंड की वर्ल्ड कप में लगातार दूसरी मेंल्ड कप वर्ल्ड कप 2021 के पहले राउंड के मैच में स्कॉटलैंड ने पापू न्यू गिनिया को 17 रन से शिकस्त देकर इवेंट में लगातार दूसरी कामयाबी हासिल कर ली पाकिस्तान में एशिया कप 2023 का फॉर्मेट 50 ओवर्स का होगा रमीज राजा पाकिस्तान की मेजबानी में होने वाला एशिया कप 2023 का फॉर्मेट 50 ओवर्स का होगा अपने वीडियो पैगाम में एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास की बयान करते हुए चेयरमैन पीसीबी कहा राजा ने कहा कि बीसीसीआई के सदर सौरव गंगुली से गैर रस्मी मुलाकात हुई मैं इनके साथ क्रिकेट खेल चुका हूँ और ज्यादा आसानी से बात कर सकता हूँ हमारा हमेशा से यही मौकफ रहा है की क्रिकेट को सियासत से अलग रखना चाहिए क्रिकेट तालुकात को बहाल तो करना है इसके लिए बहुत से मराहल तय करना होंगे अभी होने वाली मुस्बत बातचीत का आगे चलकर फायदा हो सकता है शुएब करियर का शानदार अख्ताम करने के लिए ख्वाह शुएब मलिक करियर का शानदार अख्ताम करने के ख्वाह हैं, जबकि ऑलराउंडर इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहने से कबल टीम को वर्ल्ड कप जितवाना चाहते हैं शुैब मलिक टी वर्ल्ड कप में शरीक पाकिस्तानी स्क्वाड के सीनियर तरीन मेंबर हैं उन्होंने जब 1999 में इंटरनेशनल डेब्यू किया तब शाहीन शाह अफरीदी मोहम्मद वसीम जूनियर और बैट्समैन हैदर अली पैदा भी नहीं हुए थे कप्तान बाबर आजम नायब कप्तान शादाब खान और फास्ट बॉलर हसन अली बामुश्किल पाँच बरस के थे अब वो इन सब के साथ मेगा इवेंट खेलेंगे जश्न ईद मिलादुलनबी सल्ला वसलम पर इब्राउल हक ने अपनी नात जारी कर दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पी टी के रहनमा और हलाल अहमर के चेयरमैन और पाकिस्तानी गुलकार हक ने जशर ईद मिलादुलनबी के मौके पर अपनी नात जारी कर दी हक ने समाजी रबते की वेबसाइट ट्विटर पर की गई पोस्ट में अपने मदाहों को ईद मिलादुलनबी अलैहि वसलम के मौके पर नात जारी करने से मुतल बताया आज के लिए बस इतना ही इन कल ताज़ा खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे पाकिस्तान जिंदाबाद